गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं सांसद, स्वागत करता हूं आप सभी का फेसबुक और यूट्यूब लाइव कंप्यूटर क्लासेस में। हम सभी इस बात से वाकिफ है कि अभी जो है कोरोना वायरस कोविड-19 पैंडेमिक जो वैश्विक महामारी का रूप धारण किया हुआ है, और इस वैश्विक महामारी में हम सभी का सर्वप्रथम उद्देश्य है अपने आप को सेफ रखना। हम सभी छात्र छात्राएं, अभिभावक, दोस्त, सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और हो सके तो सबसे ज्यादा आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 1 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाए रखें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज का जो हमारा फेसबुक यूट्यूब लाइव कंप्यूटर क्लासेस में जो क्लास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम सभी को एक बात बता दूं कि आज जो क्लास होगी वो पेज लेआउट के विषय में होगी। हम सभी को पता है कि जब भी हम किसी भी पेज को प्रिंट करते हैं तो कितनी तरह से हमें परेशानी होती है और सेटअप करने की भी जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज हम पेज प्रिंट करने से पहले हम पेज का सेटअप करना सीखेंगे, प्रिंट बिफोर प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू। तो सबसे पहले आप क्या करें, एमएस वर्ड को ऑन कर ले। एमएस वर्ड ऑन करने के बाद आपका सबसे पहला जो काम है वो काम होगी कि एडिटिंग एरिया में आप टेक्स्ट को फिल करना। तो आप सभी को मैं बता चुका था पहले ही क्लास में कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कैसे लाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, पहले क्या करते हैं, हम लोग टेक्स्ट को अपने एडिटिंग एरिया में थोड़ा फिल करते रहे। देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, टेक्स्ट को एडिटिंग एरिया में फिल कर लिया। फिल करने के बाद अगर मुझे इस पेज की प्रिंट करनी है तो प्रिंट करने से पहले हम लोग को क्या करना है, चेक करना है प्रिंट प्रीव्यू। तो ऑफिस मेनू बटन में जाकर क्लिक करेंगे और प्रिंट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पेज हमारी प्रिंट आउट होगी ये इस तरह से होगी। तो प्रिंट करने से पहले हम क्या करेंगे, इस पेज को सेटअप करेंगे। तो पेज को सेटअप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू को क्लोज कर दे रहे हैं। करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, पेज लेआउट। तो होम ऑप्शंस के बगल में पेज लेआउट ऑप्शंस होगी, इस ऑप्शंस में आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे पहला चीज आपको समझना है कि हम जो पेज प्रिंट करने वाले हैं उसका मार्जिन, यानी कि मार्जिन क्या होती है। सबसे पहला समझिए मार्जिन। मार्जिन होती है कि जो टेक्स्ट हम लोग लिखे हुए हैं, जो भी टेक्स्ट हमारा एडिटिंग एरिया में है या पेज में है, इसकी मार्जिन कितनी है, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, यानी कि ये लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। तो मार्जिन ऑप्शंस में हम लोग मार्जिन को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए कि मुझे जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि मार्जिन को हम लोग सेटअप कर लेंगे। तो हम लोग नॉर्मल रखते हैं, जैसे अभी ये मार्जिन जो हमारा है लिया गया हुआ है नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है क्या कि लेफ्ट में भी 1 PT और राइट में भी 1 PT, अप में भी 1 PT एंड डाउन में भी 1 PT। ये है, आप अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं कस्टम मार्जिन में आकर। कस्टम मार्जिन में आने के बाद आप यहां से देख सकते हैं टॉप 1, लेफ्ट 1, बॉटम 1 एंड राइट 1 है। तो आप अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं अपने अनुसार, मार्जिन को भी आप सेट कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी जो होती है वो होती है कि अब पेज का जो साइज है आप किस तरह से लेके। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो पेज का प्रिंट लेते हैं, प्रिंट के समय दो तरह की साइज होती है, एक तो होती है आपका लैंडस्केप और एक होती है प्रोटेक्ट। तो समझना है कि प्रोटेक्ट क्या है। तो ओरिएंटेशंस के अंदर हमारी दो साइज होती है पेज की, एक तो प्रोटेक्ट होती है और एक लैंडस्केप। अगर प्रोटेक्ट अगर लेते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारी जो पेज होती है वो दो प्रकार की होती है ओरिएंटेशंस के अंदर, हम लोग एक प्रोटेक्ट एक लैंडस्केप। प्रोटेक्ट का मतलब होता है जो पेज हम लोग क्या करते हैं, खरा, यानी कि A4 साइज जो खरा के तरह हम लोग लेना चाहते हैं तो ये प्रोटेक्ट मिलेंगे। और लैंडस्केप का मतलब जो आप जमीन के स्तर पे यानी कि ले सकते हैं। तो अधिकतर हम लोग जो फॉर्मेट पेज करते हैं प्रोटेक्ट में करते हैं। अब देखिए, प्रोटेक्ट के बाद हम जानना चाहेंगे कि ये जो पेज हमारी प्रिंट होगी ये क्या साइज होगी। तो प्रिंट की साइज जो होगी वो होगी
A4 साइज या लेटर, या तो आप लेटर पे आप कर सकते हैं या आप A4। तो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, A4 साइज का ही प्रयोग करते हैं। तो हम लोग A4 साइज ये आपकी सेटिंग हो जाती है। सेटिंग होने के बाद आप क्या करते हैं कि सबसे पहला चीज की अब देखिए ये जो टेक्स्ट लिखी हुई है, ये टेक्स्ट को कितने कॉलम्स में आप डिवाइड करना चाहते हैं। आप अखबार पढ़ते होंगे, अखबार में जो साइज होती है कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, 4 में आप रख सकते हैं, लेफ्ट एज रख सकते हैं, राइट एज कर सकते हैं। हम लोग कॉलम में भी टेक्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉलम्स उसमें आने के बाद अगर 2 कॉलम्स में, तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट मैंने लिया था वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गई है। उसके बाद अगर हम 3 लेते हैं तो 3 कॉलम्स में आपका डिवाइड हो जाएगी। अगर आप लेफ्ट से लेना चाहते हैं लेफ्ट से आ जाएगी, आप राइट से लेना चाहते हैं राइट से लेना चाहते हैं राइट से आ जाएगी। तो अगर नॉर्मल करना चाहते हैं तो नॉर्मल में आप ले सकते हैं। हम लोग कॉलम्स के विषय में जान गए। अब देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स है और आप जो पेज प्रिंट करना चाहते हैं वो सेपरेट आपके नाम से हो, तो हम लोग क्या करते हैं पेज में एक वाटर मार्क देते हैं कि ये पेज सिर्फ मेरा हो, अगर किसी के पास जा रहा हो तो इसका लोगो जो है वो मेरा रहे। इसके लिए हम लोग वाटर मार्क का प्रयोग करते हैं। तो वाटर मार्क में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे वाटर मार्क का ऑप्शन खुल जाएगी। आप यहाँ से किसी एक वाटर मार्क को चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने चूज किया ये वाटर मार्क में आपको हल्के में देखेंगे डू नॉट कॉपी। अगर आप वाटर मार्क को क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो कस्टम पे आइए। कस्टम में आने के बाद इस वाटर मार्क को आप चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज आप कर सकते हैं वाटर मार्क पे आने के बाद। या मान लीजिए आप वाटर मार्क में डिलीट करना चाहते हैं तो आप वाटर मार्क को भी डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे हम देखिए यहाँ से थोड़ा सा डार्क लेना चाहते हैं तो डार्क अगर ले रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए ये डार्क हो गई है, डू नॉट कॉपी। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। अगर आपकी पेज के अंदर कलर करना चाहते हैं तो पेज कलर में आकर आप पेज कलर दे सकते हैं, तो आपकी पेज कलर हो जाएगी। पेज कलर आप डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पेज कलर है आप दे सकते हैं, देने के बाद आपकी पेज कलर हो जाएगी। आप चाहते हैं कि हम पेज में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब हम चाह रहे हैं कि इस पेज में एक बॉर्डर हो, तो हम लोग क्या करेंगे पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए पेज बॉर्डर में यहाँ पे हम बॉक्स देकर यहाँ से हम लाइंस को भी प्रयोग कर सकते हैं कि हमारा बॉर्डर किस टाइप का आएगी। ये आपकी बॉर्डर आ गई। आप चाहते हैं नहीं सर हमें बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर जो चाहिए वो कलर में चाहिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर का कलर भी आप दे सकते हैं। ये बॉर्डर की कलर आ गई। सर हम ये बॉर्डर नहीं देना चाहते, हम कुछ अलग आर्ट्स देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आर्ट्स भी चूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे आर्ट्स अवेलेबल होगी, यहाँ से आप कोई भी आर्ट्स को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये चूज किया और इसकी साइज जो है थोड़ी कम कर दे रहा है, ये साइज मैंने लिया, तो ये आप आर्ट भी कर सकते हैं। अब जब ये सारी सेटअप हो जाएगी तो आपका काम है प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए फिर से आपको आना है ऑफिस मेनू बटन और यहाँ से आपको प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शंस में क्लिक करेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपकी खुल जाएगी। अब प्रिंट डायलॉग बॉक्स में क्या करना है, एट फर्स्ट आपको यहाँ से प्रिंटर का नाम, जो आपकी प्रिंटर है वो प्रिंटर का नाम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप कितने कॉपीज निकालेंगे, तो यहाँ से आप कॉपीज को दे दें, जितना कॉपीज आप निकालना चाहते हैं आप निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके बटन है, ओके बटन में आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही ओके बटन में क्लिक करेंगे तो आपका जो है पेज प्रिंट होकर आ जाएगी। तो दोस्तों आप सभी से फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर मेरी क्लास में आती है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं और कॉमेंट भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्या कर सकें, खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा। आपका सांसद, जय हिंद, जय भारत और स्टे होम, बी सेफ। कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस का सबसे मूल मंत्र बचने का है, एक तो मास्क का प्रयोग करें, दूसरा सैनिटाइजर का प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। धन्यवाद।